हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो आई एम शहनाज बानो। जैसे कि मैं आपको बताते चले आ रही हूँ कि मेरा चैनल यूट्यूब पे शहनाज ब्यूटी 786 के नाम से, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बिल बजा दे, और ताकि उसके पास मेरी वीडियो आती रहे। तो आज मैं आपको बताऊँगी स्किन टोनर बनाने की विधि। जैसे कि आपकी स्किन में झुर्रियाँ हो जाती है, रिंकल्स हो जाते हैं और पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, उसका निशान छूट जाता है, नहीं जाता है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, 30 ईयर्स के बाद रिंकल्स होने लगते हैं, तो वो आपको स्किन टोनर बनाने की विधि बताऊंगी मैं, क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो उसके लिए आप पेन और कॉपी निकाल लीजिए, जो लिख सकता है वो लिख ले, जो नहीं लिख सकता वो मेरी वीडियो सेव कर ले। तो मैं इसके बारे में मैं अभी बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए। तो आपको चाहिए खीरा और चाहिए चुकंदर और गाजर, ये तीनों चीज़ों को आपने ले लिया। उसके बाद उसको कद्दूकस में, जो कि हमारी मशीन आती है उसको, उसमें कस लिया। कद्दूकस करके महीन महीन हो जाएगा, लच्छे टाइप का बन जाएगा। फिर उसको कद्दूकस करके उसको हम उबाल लेंगे, जो कि उसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, वही पानी हमें निकला हुआ पानी उसी में उबालना है। ढक देंगे, उबल जाएगा। जब वो उबल जाएगा 10 मिनट या 5 मिनट हमको उबालना है। उसके बाद हम उसको छन्ने में लेके महीन से छान लेंगे। उसके बाद हम उसको छन्ने में डाल के और पूस करके चम्मच से हम उसको दाब दाब के निकाल लेंगे, सारा रस निकल आएगा। तो उसके बाद हम एक कॉटन लेंगे और जब ठंडा हो जाएगा उसको एक शीशी में रख के, स्टोर भी कर सकते हैं आप फ्रिज में रख के, क्योंकि वो स्किन टोनर बन जाता है, उसको आप फ्रिज में रख सकते हो, ठंडा हो गया। उसके बाद आप जो भी फेस वॉश इस्तेमाल करते हो वो आप करते रहिए कंटिन्यू, कोई इशू नहीं है। फिर आपको नाइट में उसको लगाना है, फिर देखिए अपना रिजल्ट, स्किन का चमक कैसे आती है। तो आप लोग को क्या करना है, खीरा लेना, चुकंदर लेना, गाजर लेना और उसको कद्दूकस करके उबालना है 5 से 10 मिनट। उसके बाद उसको ठंडा करके छान लेना, छान के आप उसको स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद उसमें आप गुलाब जल भी डाल दीजिए तो और अच्छा है, क्योंकि खुशबू आ जाती है और गुलाब जल तो अच्छा होता ही, और ये तो एक टोनर हो ही जाता है, फिर भी आपको गुलाब जल भी डालना है तो डाल सकते हैं। और रोज़ रात में आप फेस पर अप्लाई करिए, फिर देखिए आपके रिंकल्स गायब और पिंपल्स के निशान गायब हो जाएंगे। स्किन आपकी सॉफ्ट और चमकदार बन जाएगी, जो कि आप सोचे भी नहीं होंगे, वैसे फिनिश चमक आती रहेगी आपके फेस पे। तो आप कंटिन्यू, आपको ये करना है डेली, बाहर की कोई चीज़ मत लगाइए और आप इसको करके देखिए, मेरी बताई हुई रेसिपी को यूज़ करिए, लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह।